हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम पाइथन के बारे में। तो पाइथन में दो प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और एक बिल्ट इन डेटा टाइप। तो अभी हम बिल्ट इन डेटा टाइप की बात करने वाले हैं और बिल्ट इन डेटा टाइप में भी इसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। जैसे यहाँ पे पांच कैटेगरीज मेरे पास हैं और इन पांच कैटेगरीज में भी जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करें हम, तो इसमें इंट, फ्लोट, ये सब डेटा टाइप आ जाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि अगर हम पाइथन के कोड एडिटर पर, जो भी पाइथन का आईडीई है, उस पर हम अगर कोई भी कुछ भी लिखते हैं तो उसका डेटा टाइप हम कैसे पता करेंगे। तो डेटा टाइप पता करने का बहुत ही आसान तरीका है, चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, पाइथन की आईडीई ओपन करनी है। तो यहाँ पे पाइथन की आईडीई मैंने डाउनलोड कर रखी है, अगर आपके पास नहीं है तो अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन डाउनलोड फ्रॉम python.org। python.org पर आप जाइए और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आईडीई को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पाइथन की आईडीई ओपन हो चुकी है। अगर सपोज कीजिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ a और a में स्टोर कर देता हूँ 7। अच्छा ये बताइए 7 होल वैल्यू है, होल नंबर है कि डेसिमल नंबर है? होल नंबर है, बिल्कुल सही। अभी इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप आपके अकॉर्डिंग होगा या फिर इसका डेटा टाइप जो होना चाहिए अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है, तो इंटीजर होता है और फ्लोट होता है। तो फ्लोट में पॉइंट वाली वैल्यूज आती हैं और इंटीजर में जो पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं होती हैं वो आती हैं। तो अभी मैं इसको ए को इसमें लिख रहा हूँ और टाइप एक प्रयोग कर रहा हूँ और यहाँ पर जैसे एंटर करूंगा तो ये देखिए इसका क्लास आ गया, ये इंट टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। अब चलिए अब एक काम और करता हूँ, लिखता हूँ ए इज इक्वल टू डबल कॉमा में कर देता हूँ एस यू आर ए जे, ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एस यू आर ए जे डेटा टाइप पता करना है तो आपको फिर लिखना होगा टाइप और यहाँ पर जो जिस भी वेरिएबल में ये स्टोर होगा उसका नाम लिख दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, एस टी आर देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसी तरह से अगली बात करते हैं हम यहाँ पे ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ 9.78, ठीक है ये लिख दिया हमने, ये प्रोग्राम तो हमारा चल गया, एंटर प्रेस किया हमने, कर्सर नीचे आ गया। अब हमको पता करना है कि ये कौन सा डेटा टाइप था, तो यहाँ पे इंट लिखा मैंने और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा ए, ठीक है। यहाँ पर टाइप लिखने के बाद ब्रैकेट में ए लिखा मैंने, इंटरफेस किया, तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि ये फ्लोट डेटा टाइप है। इस तरह से करके हम पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक काम और करता हूं मैं, ए इज इक्वल टू एप्पल, ठीक है। तो अभी आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये चूंकि यहाँ पे स्ट्रिंग आया था, एसटीआर आया था, तो यहाँ पर भी वही डेटा टाइप आना चाहिए। तो एंटर अगर प्रेस करता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे देखिए मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम तो हमारा चल गया, लेकिन अब टाइप लिख करके इसका डेटा टाइप हमें पता करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे ए लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो इसका डेटा टाइप आ गया। तो ये वो तरीका है जिससे बहुत ही आसानी के साथ आप डेटा टाइप पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।